22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और करोड़ों लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर गरमा रही है। अगर हम बात करें अभी की, तो एक तरफ कांग्रेस ने राम मंदिर से जो निमंत्रण मिला था उसको अस्वीकार कर दिया है, साफ तौर पे कह दिया है कि हम वहां पर 22 तारीख को नहीं जाएंगे। वहीं पर उनके जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो आज अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अयोध्या की तरफ कूच कर चुके हैं। तो क्या है पूरी कांग्रेस की मंशा, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भी एक राम मंदिर के बाहर ही खड़े हुए हैं। इन लोगों की अपनी भावनाएँ हैं, अपने विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। भैया, आप ही से शुरुआत करेंगे कि एक तरफ निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, दूसरी तरफ आज जा रहे हैं उनके कुछ प्रदेश स्तरीय नेता, क्या लगता है, क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी कि वो निमंत्रण को ये लोग सरकार का ही प्रायोजित कार्यक्रम मान रहे हैं, जबकि सरकार का नहीं। जो भी निमंत्रण दिया जाए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से दिया जाए, सारा पैसा ट्रस्ट का खर्च हो रहा है, क्योंकि पैसा इतना ऑलरेडी जमा पहले ही हो चुका था कि जो आज खर्च करने के काम में आ रहा है। अभी तो ट्रस्ट ने आह्वान ही नहीं किया, अगर ट्रस्ट आह्वान कर दे कि हमें पैसे की जरूरत है तो अरबों खरबों रुपये ऐसे ही पहुँच जाएंगे। अभी तो आप ये मिला के चलिए कि ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया है, सरकार से उस पर कोई लेना देना नहीं था, उसको आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। 500 वर्षों की एक गुलामी की दास्तान जो है ख़त्म होने को जा रही है, आक्रांताओं ने उसको जो है अपने कब्जे में किया था, उसके बाद हमको लेने में आज आज़ादी के बाद आप समझिए 75 साल लग गए। आज वो चीज़ पूरी होने जा रही है तो पूरे देश में, प्रदेश में, विश्व में खुशी का माहौल है। विश्व तमाम चीज़ें तमाम देश भेज रहे हैं और एक इतना बड़ा आप समझिए कि पॉलिटिकल हब हमारा बन गया कि कानपुर में हमारे जो हम लोग का अनुमान है कि कम से कम 300-400 करोड़ का तो कानपुर में सामान बिक जाएगा ड्यूटी अयोध्या 22 तारीख को। और अयोध्या का क्या होगा कि अरबों खरबों का व्यापार होगा, तो 28 होटल प्रोसेस में है। आप समझ के चलिए कि एक NCR हब हो जाएगा कानपुर से लेकर के अगर आप देखेंगे बस्ती तक, उधर बलरामपुर से लेकर सरस्वती, उधर सारे बेल्ट में आप सुल्तानपुर वगैरह देखेंगे तो, क्योंकि आदमी जब दर्शन को जाएगा लाखों लोग जाएंगे। आज ताजमहल को देख रहे 73 लोग आए, अगर देखा जाए तो उदाहरण 1,66,00,000 लोग जो है देखने जो है आपके काशी विश्वनाथ को आए। तो आज इन्होंने, इस सरकार ने पूरा हब ही बदल दिया कि देखने के लिए पहले लाल किला और ताजमहल हुआ करता, ऐसा नहीं है। हमारे जो धार्मिक स्थल है वो भी बहुत अच्छे हैं और उसके अंदर लोगों ने जो गवर्नमेंट ने प्रचार प्रसार किया उसको एक अच्छा बनाया, तो उसका नतीजा आज ये है कि पूरे विश्व में वो अपनी अलग अलग धाक जमाते हुए अगर आप देखा जाए तो उसमें और जगहों से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि अपोजिशन ने जो भी किया वो दलगत राजनीति से आपको अब उठना चाहिए। अब जो है भारत को एक समझ की जब तक चलेंगे तब तक होगा, दलगत राजनीति से उठ करके आप अगर काम करेंगे तभी होगा। आप ये सोचो कि खाली हम एक किसी पर्टिकुलर के करेंगे उतना ही होगा। तो एक तरफ से इनका ये कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, और किस तरह से राममय माहौल है ये भी हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि कानपुर में हर दुकानों पर आप देख सकते हैं कि झंडे तक बिक रहे हैं। है कॉपी किताब की दुकानें लेकिन झंडे बिक रहे हैं, यहाँ पर लगाए हुए भी हैं और यहाँ पर कुछ बैचेस भी हैं जो कि यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने इस तरह के बैचेस भी यहाँ पर दिए हैं। तो आपसे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आज तो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, 22 को नहीं आएंगे, तो ये क्या है, ये खेल पूरा क्या लग रहा है? उनको लगता है श्री राम जी जब बुलाएंगे तभी आएंगे वो, और राम जी सीधे डायरेक्ट ऊपर ही बुलाएंगे। अरे राम जी भी कभी बुलाते हैं क्या? अरे भगवान का मंदिर है, कोई आपको बुलाता है क्या? राम का मंदिर है, राम जी किसी को बुलाते नहीं है, आपकी आस्था है। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, ना वो खा पा रही है ना उगल पा रही है। उसको मुस्लिम प्यार भी करना है और हिंदुओं का वोट भी लेना चाहती है, उनको एक होकर के रहना पड़ेगा तभी उनको हिंदुओं का वोट मिल सकता है। कांग्रेस अपना वो नहीं क्लियर कर पा रही है, उसको मुसलमान का वोट भी चाहिए, उसको हिंदू का भी वोट भी चाहिए। इस चक्कर में कांग्रेस ना मतलब कहीं की नहीं रही है और ना आगे रहेगी। तो मतलब इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दो नावों पर सवार है, आपको भी ये लगता है? क्योंकि आज उनके कुछ नेता जा रहे हैं लेकिन जो उनके बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय सपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब ने तो साफ मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस क्या सोचती है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन श्री राम हम सबके हैं, पूरे भारतवर्ष के श्री राम है, किसी पार्टी के श्री राम नहीं है। उसमें अगर कोई पार्टी इस तरह के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है तो उसका विचार साफ है कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस को वोट किसी भी हिंदू व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।
कांग्रेस को एक भी व्यक्ति हिंदू वोट नहीं देना चाहिए। वो जिसकी राजनीति कर रहे हैं, वो जिनके वोट बचाने की राजनीति कर रहे हैं, उनको देना हो तो दो। किसी भी हिंदू व्यक्ति को ना कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए और ना कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो इनका ये मानना है, अपनी इनकी विचारधारा है कि ऐसा करना चाहिए। आपसे बात करेंगे कि आज कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे हैं अयोध्या, ऊपर के नेताओं ने मना कर दिया है, तो ये फिर दोहरी जो चीज़ है वो क्या है? ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और रामचंद्र जी हमारे भी हैं, सबके हैं, उसमें कोई वैसा कुछ नहीं है, किसी के नहीं है, एक के हैं पर्टिकुलर, सभी के हैं। और सनातन धर्म हिंदुत्व की सबसे बड़ी जीत हुई है 500 वर्षों में, जो लोगों ने हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है हम लोगों के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसी हिंदुत्व की और सनातन धर्म की यहाँ पे सब लोग मिल के बहुत बड़ा विशाल प्रार्थना कर रहे हैं। काली माता मंदिर एक्टिविटी रोड पे पूरे एक्टिविटी को सजाएंगे और 500 किलो बूंदी का वितरण करेंगे। सुंदरकांड सुबह से चालू होगा, हनुमान चालीसा होगी, पाठ करेंगे। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, ये हमारे बड़े विषय गौरव की बात है। जो हम लोग सनातन और हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात हिंदू है, ठीक है, और श्री राम हमारे सब हैं, ठीक है, सबके लिए हैं। और लोग सोचते हैं अगर ऐसी राजनीति कर रहे हैं उजल, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है और ये दो नाव पे पैर रखना बहुत खराब है। दो नाव पे पैर रखना क्या खराब है? आपको भी लगता है कि कांग्रेस दो नाव पे पैर रख रही है? आज कुछ नेता जा रहे हैं और वैसे बड़े नेताओं ने मना कर दिया है। जी हाँ, क्यों नहीं, जो राम के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। और बाकी कांग्रेस ने राम का बहिष्कार किया है तो हम लोग अब कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे सीधा सीधा, हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देगा। आपको भी ऐसा लगता है? सर देखिए, जिसमें जो आधे नेता इधर जा रहे हैं आधे उधर जा रहे हैं, तो या तो वो उधर ही हो लें या तो फिर एक तरफ रह लें। पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए समाज को उनका, हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। अब क्योंकि कांग्रेस अब हमारे लायक पार्टी नहीं रह गई है। जो राम का नहीं वो हमारे काम का, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। आपको क्या कहना है कि आज कुछ नेता जा रहे हैं और वैसे क्या सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुओं को खुश करने की ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बाकी जो राम जी के लिए है हम बहुत खुश हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 500 वर्षों बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है, हम बहुत खुश हैं। जय जय श्री राम। तो यहाँ पर यह जितने भी लोग मौजूद हैं इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को आज भेजकर कांग्रेस राजनीति दोहरी राजनीति कर रही है, दो नाव में सफार हो रही है। और इनका ये भी मानना है कि कांग्रेस को अपना एक एजेंडा बता देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं राम मंदिर से, और अगर वो राम मंदिर के साथ में हैं तो वो भी उनको साफ बताना चाहिए, और अगर नहीं है साथ में तो भी साफ तौर पर जनता को जरूर बताना चाहिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।